गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज वीडियो देखिए KTM के ऊपर। KTM के अंदर अपने इंस्टॉल करेंगे टायर हगर, और ये सिंगल साइड टायर हगर है। और भाई मेरे को जब मैंने जो पिक्चर देखी थी ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखते ही मेरे को पसंद आ गया था। मैंने तभी सोच लिया था भाई इसको ऑर्डर करेंगे। तो ये मैंने लिया स्काई बॉय शॉप से। इनका इंस्टाग्राम भी पेज है और इनकी वेबसाइट भी है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको बाय करने हैं। और ये यूनिवर्सल, आप कोई भी बाइक के अंदर लगा सकते हैं। सो मैंने जो क्या है, बहुत टाइम से बाइक को वैसे ही रख रखा था, मैंने कोई भी इसके पीछे कुछ चीज़ नहीं लगा रखी थी। तो भाई लुक तो काफ़ी अच्छा था टायर का, बट वही है काफ़ी कीचड़ वगैरह आता था। तो मैंने सोच लिया है टायर अगर इंस्टॉल करना है। मेरे जो KTM की तरफ से भी आया था वो मेरे को इतना पसंद नहीं था। वो मैंने नई बाइक लेते पहले दिन सबसे पहले वो उतारा था, तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। तो मैंने सोचा इसको इंस्टॉल करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसा लुक आएगा और जो क्वालिटी कैसी है सब कुछ दिखाऊंगा। तो पहले आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। सो ऐसा कुछ बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स के अंदर है मेन प्रोडक्ट। और ये आप जो देख रहे हैं, ऐसा कोई प्लास्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम के अंदर है ये, और उसकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है। और उसके बाद उसी के कुछ ब्रैकेट्स आएंगे, और इनकी क्वालिटी भी आपको दिखने में ऐसे प्लास्टिक लग रहा होगा बट प्लास्टिक नहीं है। और आप इसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा सा लुक है ना जो आपको कार्बन फाइबर का लुक आएगा। और इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। और जो मेन है अपना टायर हगर, ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया यार। मतलब मैंने जब देखा था ना, मेरे को लगा यार जो मेरे पास नॉर्मल जो लगाया था पहले KTM में वैसी क्वालिटी होगी, थोड़ा ढीला होगा, बट इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया यार। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा पीछे, ये देखिए। और वन साइड है, मेरे को ऐसे कुछ चाहिए था, टू साइड तो मैंने बहुत देख लिए थे बट मेरे को वन साइड कुछ चाहिए था। और इसके साथ अपने को ये एलकी वगैरह और इसको जो अटैच करने का जो भी सामान है सब कुछ इसके साथ अपने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा इसको इंस्टॉल करते हैं। फाइनली जो ब्रैकेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इस तरह से कुछ आया है। इसको क्या थोड़ा सा गर्म करके इसका जो एंगल है वो चेंज किया, पहले सीधा थोड़ा सा बैंड किया ताकि एकदम परफेक्ट लग जाए। तो अब सीधा इसको लगाते हैं और लुक देखते हैं कैसा आएगा। पहले इसको कलर कर लें क्योंकि हीट की वजह से यहाँ से कलर उतर गया इसका। सो फाइनली ये लग चुका, देखने में जो इसका लुक है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। फुल स्पीड पे बाइक चला के देख ली, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है, और ऐसे कुछ लगा साइड से। और कुछ इसके अब रनिंग शॉर्ट्स देखते हैं। बाकी प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और मैंने गैप बहुत कम रखा है ये देखिए, ताकि इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा ऊपर करना चाहें, वहाँ करना चाहें, या थोड़ा नीचे करना चाहें, तो वो आपकी मर्जी रहेगी। Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Knew I didn't numb the pain, but this time I won't collide like I did yesterday. आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं इजीली। मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, और आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, और कार्बन फाइबर लुक है इसका देखने में। और ऐसी मॉडिफिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्रॉपर अपडेट की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, यहीं के हैंडल आ रहा होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन, बाय।